Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and press the bell icon for future notifications. Thank you. Hello students, this is Ritu Sharma. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope सभी अच्छे होंगे. तो जैसे हमने last classes में कुछ questions को solve किया था, objective type question को या one mark type question को maths के solve किया था और हम prepare कर रहे थे अपने board exam के लिए. तो आज की class में भी हम कुछ questions को discuss करेंगे ताकि आपको और अच्छे से concept clear हो जाए. अगर आपने वो पहले वाली videos नहीं देखी हैं तो please आप पहले वो videos देख लेना. मैं उनका link description box में provide करा दूँगी आपको. तो first question देखते हैं अपना. तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन हमारे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और कुछ आपको डायरेक्ट आंसर करने होंगे. क्वेश्चन होगा और आपको डायरेक्ट उसका आंसर करना होगा. तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. एचसीएफ पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ वाले नेचुरल नंबर्स का या फिर दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ जो है क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. अब देखो, नेचुरल नंबर तो हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं. नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होते हैं आपके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या, ये वो नंबर होते हैं जो हमारे वन से शुरू होते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन. लेकिन इसने बोला क्या हमसे कि आपको ऐसे तो फाइंड करना है टू नेचुरल नंबर्स का, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब साथ वाले होने चाहिए. अब देखो, इसने ये भी नहीं बोला कि फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का फाइंड करो. तो आपकी मर्जी, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, लेकिन वो क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एचसीएफ या तो आप वन और टू का एचसीएफ निकाले, ये हो गए फिर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, या फिर आप टू थ्री का निकाले, या फिर आप थ्री और फोर का निकाले, या कोई भी दो साथ वाले नेचुरल नंबर का एचसीएफ आपसे पूछा गया है यहाँ पे. अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, कोई भी आप टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लो नेचुरल नंबर्स, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन तो सब में कॉमन होता है ना. अब देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या वन और टू के बीच में, सिर्फ वन कॉमन है. यहाँ पे टू और थ्री में क्या कॉमन है, सिर्फ वन. एंड थ्री और फोर में भी क्या कॉमन है, वन. हम कॉमन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब भी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या कॉमन है. तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन है वो सब में, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो कॉन्सिक्यूटिव, उनमें सब में क्या कॉमन होता है, सिर्फ वन कॉमन होता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा किसका, टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का या फिर दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, वन, और ये आपका आंसर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन किया, उसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, उसको भी करते हैं. यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स. कौन से नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, इवन नंबर या फिर सम संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे. अभी भी वही कॉन्सिक्यूटिव, दो साथ वाले इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं जो कि क्रमागत हो, साथ वाली हो, उनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है. अब देखो, इवन नंबर तो टू से ही स्टार्ट हो जाता है, हमें पता है ना, इवन या फिर जो सम संख्याएं होती है वो क्या होती है, जो टू से डिवाइड हो जाती है. तो दो चार छ आठ एंड सो ऑन. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो उसमें सिंपली एक वर्ड बोला है, कॉन्सिक्यूटिव या क्रमागत, मतलब कोई भी दो नंबर ले लो वो, लेकिन साथ वाले होने चाहिए. तो या तो आप टू और फोर का एचसीएफ बता सकते हैं, आप फोर और सिक्स का एचसीएफ बता सकते हैं, आप सिक्स और एट, या किसी भी दो साथ वाले इवन नंबर का आप एचसीएफ यहाँ पे निकाल के बता सकते हैं. अब इसमें भी सेम होगा, कुछ तो सिमिलर होगा ना, तभी ऐसा क्वेश्चन दिया है इसने. अब यहाँ पे देखो, टू और फोर में क्या कॉमन होता है, इसमें क्या कॉमन होता है, सिर्फ टू है जो इनके बीच में कॉमन है. अगेन फोर और सिक्स में भी क्या कॉमन होता है, फोर और सिक्स में ये दोनों ही क्या है, टू से डिवाइड हो जाएंगे और किसी से तो नहीं डिवाइड होंगे, तो इनमें कॉमन क्या है, टू. सिमिलरली सिक्स और एट में भी सिर्फ क्या कॉमन है, टू. तो कोई भी आप दो इवन नंबर ले लो कॉन्सिक्यूटिव वाले, हमेशा उनका एचसीएफ क्या होगा, इनका हमेशा एचसीएफ कितना होगा, टू, और ये हमारा आंसर है. तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें शुरू कहां से करना है या कौन से दो नंबर्स ले रहे हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर को सॉल्व करना है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. मतलब द्विघात समीकरण दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए. मतलब हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है यहाँ पे. देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था और मैंने बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. बस वहां पे क्या था
कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, वहां पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो कल भी मैंने बताया था, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करना है, यानी कि आपके मूलों की प्रकृति कैसी है, वो रियल है या नॉट रियल है, उनका अस्तित्व है या नहीं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्त, और हम चेक करते थे अपना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसके तीन केस होते थे, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है क्या, अब ये बी ए या सी क्या है, हमें पता है हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ है वो बी होता है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी होता है। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें हमारे ए की वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या मल्टीप्लाई में, नहीं दिख रहा कुछ भी, जब कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में तो कितना होता है, वन होता है। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, हमारे पास वन, कहाँ से है ये, इक्वेशन से। अगर यहाँ टू होता तो वैल्यू टू आती। उसके बाद हमारी बी की वैल्यू क्या है, अगेन एक्स के साथ कुछ है मल्टीप्लाई में, नहीं है, फिर क्या होगा, वन होगा। अगर यहाँ टू होता तो बी की वैल्यू टू आती, अगर यहाँ माइनस टू होता तो बी की वैल्यू माइनस टू आती, अगर यहाँ सिंपली माइनस का साइन होता तो बी की वैल्यू माइनस वन आ जाती। अगेन सी की वैल्यू तो देखो भाई, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट क्या है हमारा, जीरो, और ये हमारी सी की वैल्यू, सॉरी कॉन्स्टेंट वाला पार्ट क्या है हमारा, वन, और हमारी सी की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब आते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर, यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आएगा। और मैंने कल भी बताया था इसके तीन केस होते हैं, या तो आपका जो डी है या फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सॉल्व किया और आपकी वैल्यू आ गई माइनस फोर, तो ये क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, जीरो। तो और थर्ड केस में हमारा ये पॉजिटिव आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आ गई आपकी टू, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी टू, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, जरूरी नहीं है टू ही आएगी। अब इस केस में तो हमारे जो रूट है, इसमें नेचर ऑफ द रूट, तो जो यहाँ पे जो हमारे रूट होते थे वो क्या होते थे, नॉट रियल, मूल जो है वास्तविक नहीं होते थे। देखिए इस केस में क्या होता था, रूट जो है आपके रियल होते थे, यानी कि वास्तविक होते थे, और क्या होते थे, एंड इक्वल, मतलब समान रूट होते थे आपके, जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों की इक्वल आएगी। एंड यहाँ पे क्या होता था, रियल तो होते थे, रियल या वास्तविक तो है आपके रूट, लेकिन जो यहाँ पे रूट्स की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डिफरेंट रूट्स आएंगे यहाँ पे हमारे, कैसे रूट्स आएंगे, डिफरेंट या फिर भिन्न। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे रूटों का नेचर कैसा है, हमारे पास ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, और सी की भी वैल्यू। निकालते हैं अपना डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, वन, वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन, एंड सी की वैल्यू भी क्या है, वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर क्या हो गया, वन ही हो जाएगा भाई, वन का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, वन आता है। माइनस फोर इंटू वन करेंगे फोर आएगा, अगेन उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो, वन में से माइनस फोर जाएगा, या फिर वन में से फोर को आप माइनस करोगे हम ये बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। अब हमने बोला था अगर आपका डी जो है माइनस में आ रहा है तो जो आपके रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे, यहाँ पे अपने रूट्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस इक्वेशन के लिए, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल, मतलब इस दिए गए द्विघात, या फिर हमें पूरा लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, और यही हमारा आंसर है। हमें ये पूरा करके नहीं दिखाना क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम कैसे चेक करते हैं, हमें सिर्फ इतना वाला पार्ट सॉल्व करना है, हमें पता लग जाएगा कि ये माइनस थ्री आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हमारे रूट जो है वो रियल नहीं होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं हुई, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, ये क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स और नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 1 3 5 1 0 0 1। मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स, एक AP है जो 1 से शुरू हो रही है, फिर 3 है 5 है, तो उसको जैसे टर्म्स और 1 0
1001 तक जा रही है, इस एपी में कितने टर्म्स होंगे यानी कि पदों की संख्या बतानी है आपको इस एपी के अंदर। अब ये अगर एपी है और हमें एन की वैल्यू निकालनी है, अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या देखना है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस एपी में खुद सोचो भाई ए की वैल्यू क्या है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करो फिर यहाँ से मैच करना। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। डी क्या होता है हमारा, हमें और क्या चाहिए होता है एपी में, डी चाहिए होता है। और डी की वैल्यू कहाँ से आती है, A2 - A1 या फिर किसी भी बाद वाली टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को आप माइनस कर दो। तो ये क्या है हमारा A1 और ये क्या है A2। तो A2 में से A1 यानी कि 3 - 1 और वैल्यू आ गई हमारे पास 2। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। यानी जो लास्ट में जो टर्म दिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म हमें दिया हुआ है 1001। अब देखो an अगर हमें निकालना, तो अब इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, आपको ये सोचना है कि अगर आपको ये an निकालना होता तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको a पता है, d पता है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a + n - 1 × d विच इज इक्वल टू 1001। उसके बाद हमें a की वैल्यू पता है क्या है, 1 है, प्लस n हमें क्या करना है निकालना है। इसमें क्या बोला, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें नहीं पता। तो n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई में होता है 2, विच इज इक्वल टू 1001। एंड 1 सॉरी इसको सॉल्व करेंगे हम अगर आगे, तो n माइनस 1 इंटू 2, अभी सब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, इक्वल्स टू 1001। ये प्लस 1 है, इस सेट जगह क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब n माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब 1001 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1000 बचा हमारे पास। अब ये देखो n माइनस 1 के साथ 2 क्या था, मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइडेड, और 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 500। अब ये n माइनस 1 जो है हमें निकालनी थी n की वैल्यू, n माइनस 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 500, एंड n की वैल्यू क्या आई 500, ये माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 501। क्या है हमारी n की वैल्यू 501, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो उसका आंसर क्या है हमारे पास 501। देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन फिगर, मतलब एक फिगर गिवन है हमें, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जो एबीसी है वो क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, क्या है समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, बताओ भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बोला विद साइड ऑफ लेंथ ए, अब इसने हमें ईच साइड की लेंथ दिया, हमें पता है तीनों साइड तो इक्वल होती है, और उसकी लेंथ क्या दी है इसने, ए। ए बी भी क्या है, ए है आपकी, ए सी भी ए है और बी सी भी ए है। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड ए डी, एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, शीर्ष लंब। यहाँ पे बोला हुआ है इसने कि इसके शीर्ष लंब ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और हमें इस एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड, एल्टीट्यूड क्या होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाए। ओके, तो अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। अब अगर हमें यहाँ पे बी डी पता चल जाए, देखो हमें ए भी पता है, अगर हमें यहाँ बी डी पता चल जाए और ये क्या बन जाएगा, इधर 90 तो इधर भी क्या है 90, हमें ए भी पता है बी डी अगर हमें पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली अपना ए डी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बी डी तो नहीं पता है यहाँ पे। अब आपने ये 6th चैप्टर का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहाँ हमने प्रूव किया हुआ है 6th चैप्टर के अंदर क्लास 10th के, कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो एल्टीट्यूड होता है, शीर्ष लंब होता है ना, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, किसमें डिवाइड करता है, दो सर्वांशम त्रिभुजों में, मतलब अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांशम है तो जो आपका बी डी है वो सी डी के इक्वल होगा, बी डी क्या होगा आपका सी डी के इक्वल होगा। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमारा बी डी है वो सी डी के इक्वल होगा, और हम ये बोल सकते हैं कि अगर बी डी सी डी के इक्वल है तो ये दोनों ही क्या होंगे, बी सी के हाफ होंगे भाई, तो हम बोल सकते हैं बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और बी डी की जो वैल्यू है आ गई हमारे पास कितनी, 1/2 × a, दैट मीन्स 2। बी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हमें बी डी भी पता चल गया भाई, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो इन राइट ट्राइंगल
कौन सा वाला? ए बी डी. समबाहु त्रिभुज ए बी डी में, समबाहु नहीं सॉरी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट ट्रायंगल. इसमें हमें पता है भाई राइट ट्रायंगल में क्या होता है आपका? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग. अब कर्ण क्या होता है भाई? अगर हम ये ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, 90 के सामने हमेशा आपका कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है ए डी, हमें फाइंड करना है, इसको हमने ए डी बोल दिया यहाँ पे इसका स्क्वायर, प्लस ये बेस हो गया आपका, और बेस क्या है हमारे पास? ए अपॉन टू, और इसकी होल स्क्वायर. अब देखो ये आया क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आएगा अपॉन में टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर. अब हम वैल्यू फाइंड करनी है ए डी की, तो आप इस ए स्क्वायर अपॉन फोर को इस साइड ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. अब देखो जब इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? वन है. आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? वन और फोर का एलसीएम कितना आएगा? फोर आएगा. आई होप आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं. तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है. अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा. और उस 4 को हम ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जो भी आपका एलसीएम आया है, यहाँ जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो होता है उससे इसको डिवाइड कीजिए. जो भी डिवाइड करने पर आ रहा है उसको ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? 4a स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करने पर आया 4, और उसको आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर माइनस यहाँ भी 4 है डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1. और 1 से जब आप ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. अब 4a स्क्वायर है और ये क्या है? 1a स्क्वायर, जिसके लिए कुछ नहीं कितना होता है 1, तो ये क्या है? 1a स्क्वायर. एंड 4a स्क्वायर से जब आप 1a स्क्वायर को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर. आपको a स्क्वायर से a स्क्वायर ही कैंसिल करना है, 4 आ गया. 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर अपॉन में 4 व्हिच इज इक्वल टू AD का स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इसको यहाँ देखना ध्यान से. अब देखो ये आ रहा है AD का स्क्वायर, हमें सिर्फ निकालना है AD क्या निकालना है? AD. तो इसका जो स्क्वायर इस तरह जगह क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3A स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल टू AD. और AD की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको आप रूट से बाहर निकालो तो 3 तो रूट से बाहर नहीं आता, जो 3 है आपका रूट के अंदर है गया. ए के ऊपर क्या था? स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा भाई स्क्वायर से, ए वाला जो रूट है वो कैंसिल हो गया, तो ये ए आ गया अपॉन में 4. क्या है 4 का रूट? क्या होता है? 2. तो जो हमारी वैल्यू आई रूट 3 अपॉन 2 ए, और ये हमारा आंसर है. अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपको, तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर दूंगी इस क्वेश्चन को. तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे, ये हमसे बोल रहा है इन फिगर फाइंड एक्स, आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब ओ क्या है आपका इस फिगर के अंदर? सेंटर है या केंद्र है. अब एक सर्कल गिवन है हमें, यहाँ पे सेंटर पता है हमें, और ये जो लाइन है जो इसको टच कर रही है सर्कल को एक पॉइंट पर, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल. क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा. तो चलिए भाई हमें पता चल गया ये क्या है, टेंजेंट है. अब इसने यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है सेंटर पे, जो एंगल है 100, और हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो भाई हमें इतना तो पता ही है कि जो आपकी टेंजेंट होती है वो रेडियस पर कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री. तो ये वाला जो पूरा एंगल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? रेडियस. इसने बोला ना ये सेंटर है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या. अब हमें ये भी पता है कि जो त्रिज्या है वो 90 डिग्री बनाती है यहाँ पर, कहाँ पर? टेंजेंट पर, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु पर. अगर हमें, अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा तो हमें पता है 90 है, अगर हमें ये अंदर वाली इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे भाई 90 में से इसको माइनस करके. अब इस एंगल की वैल्यू कैसे आएगी? यही हमें यहाँ पे मेन फोकस करना है. अब भाई कुछ सोचो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. अब रेडियस तो इक्वली होंगी इसकी, तो ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. क्या बन गया ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल. और हमें पता है
कि अगर आपको कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें क्या होता है आपके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, भी इन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो क्या हम इस एंगल को यहाँ पे वाई लेट कर सकते हैं और इस एंगल को भी हम यहाँ वाई लेट कर सकते हैं। अब ये ट्राइंगल में हमें पता है कि एंगल 100 डिग्री और दो एंगल आपके वाई है, तो सिंपली आप इस वाई की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से। अब इतना तो पता है ना भाई कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमें पता है यहाँ वाई प्लस 100 आ गया आपका 180 डिग्री। अब ये 1y है और ये 1y है, तो क्या हो गया ये 2y is equals to 180, ये plus 100 है देना के क्या हो जाएगा minus 100, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ गया y की वैल्यू आपकी 40 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। अब आप ये देखो भाई हमें निकालनी थी x की वैल्यू, और ये एंगल पूरा कितना था 90, अब ये अंदर वाला जो एंगल है इस वाई की जगह ये कितना आ गया आपका 40 डिग्री आ गया, हमें पता है पूरा एंगल 90 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 माइनस 40 डिग्री, और ये आंसर आ गया हमारा 50 डिग्री, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है उनको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जान पाऊँ और उनको सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।